कर्नाटका के एक कॉलेज ने अपने छात्राओं को क्लास करने की अनुमति बस इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। इस मामले पर छात्राओं ने विरोध भी किया, पर अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित तिवारी है और मैं स्कूप बीट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मामला कर्नाटका के उडुपी में एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज का है, जहाँ 7 छात्राओं को केवल इसलिए क्लास करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी जब यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने फैसले पर अड़ा रहा तो छात्राओं ने इसके खिलाफ कर्नाटका हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने यह कहा कि यूनिवर्सिटी का यह फैसला अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। उडुपी के अलावा कर्नाटका के कुछ और इलाके जैसे भद्रावती और कुंदनपुर में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ छात्राओं को केवल इसलिए क्लास करने से रोका जा रहा है क्योंकि वह हिजाब पहनती हैं। इस मामले का विरोध न केवल छात्राएं कर रही हैं, बल्कि छात्र भी इसका विरोध कर रहे हैं। कुंदनपुर और भद्रावती के कॉलेजों में छात्र भगवा गमछा पहन छात्राओं का साथ दे रहे हैं और इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इस मामले पर कर्नाटका सरकार के मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि इस मामले के समाधान में एक कमेटी गठित की जाएगी, यह कमेटी आगामी सत्र तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि छात्राएं पहले हिजाब नहीं पहनती थी, यह मामला बीते 20 दिनों का है। अब इस मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी छात्राओं का समर्थन करते दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिजाब को छात्राओं की शिक्षा के बीच नहीं लाना चाहिए, यह भारत के बेटियों के भविष्य को अंधकार में डाल देगा। आज सरस्वती पूजा है, माँ सरस्वती सबको ज्ञान दे क्योंकि वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। इस मामले पर बीजेपी कर्नाटका ने ट्वीट करते हुए कहा कि शिक्षा को सांप्रदायिक बनाकर कांग्रेस के सह संस्थापक भारत के भविष्य को बेच रहे हैं, भारत के भविष्य के लिए खतरनाक है। अगर शिक्षा के लिए हिजाब जरूरी है तो वो कांग्रेस शासित राज्यों में यह अनिवार्य क्यों नहीं कर देते।